हॉबी का मतलब क्या है? एक्वेरियम हॉबी हो या कोई भी हॉबी हो, जब दो हॉबीस्ट या और आप सब मिलके हम लोग अपना प्रॉब्लम शेयर करें, अंडरस्टैंडिंग लें, हॉबी में हमें क्या प्रॉब्लम होता है, उनको क्या प्रॉब्लम होता है, डिस्कस करें और उसका एक सोल्यूशन निकाले, तोड़ निकाले, तो वही तो हॉबी होता है। इट्स अबाउट लर्निंग एंड मूविंग, एंजॉयिंग द हॉबी। आज मेरे साथ फिर से निखिल भाई है, निखिल सूद, मेरे बचपन के दोस्त ही बोल सकता हूँ, 25-30 साल हो गया, अभी मैं 24 का ही हूँ, तो काफी पुराने दोस्त हैं, हम लोग दोनों हॉबीस्ट हैं, हॉबी के वजह से मिले और हम लोग हमारा जो पब्लिक एक्वेरियम है बैंगलोर में कबन पार्क में, वहां पे मिलते थे संडे संडे, कुछ एक्सचेंज करते थे प्लांट्स या फिश। निखिल भाई हमेशा ब्रीडिंग वगैरह में बहुत रुचि रखते थे एंड आज शायद इंडिया का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन पेट स्टोर उन्होंने खोला है, bestforpets.in, डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, बट आज हम लोग उसके लिए नहीं है। आज मैं निखिल भाई से कुछ एक 10-12 सवाल पूछने वाला हूं जो एक बिगिनर हॉबीस्ट के लिए मदद करे, ठीक है? सिंपल पॉइंट्स, ठीक है? एंड आपके नजरिए से, बिकॉज मेरे नजरिए से उन्होंने बहुत सारा सुना है आई एम श्योर, बट आई वॉन्ट योर फीडबैक ताकि वो नया कुछ सीख सके, एक अलग पर्सपेक्टिव सीखे। तो चलो शुरू करते हैं, यू नो, फटाफट। ओके, नाउ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हर एक क्वेश्चन के बाद, आंसर के बाद, छोटा सा एक क्लिप फिश का होगा जो निखिल भाई के इस फैसिलिटी में एक्सोटिक वैरायटी, ठीक है, ताकि वो देख सके, उनका नाम वगैरह दे देंगे, स्पीशीज वगैरह, इंटरेस्टिंग होगा, कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, मजा आएगा। सो निखिल भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं एक एक्वेरियम लेना चाहता हूँ, समझो ये क्वेश्चन आंसर में मैं बिगिनर हूँ, ओके, और आप मुझे सिखा रहे हो, अगर मैं एक नया एक्वेरियम लेना चाहता हूँ तो पहला चीज दुकान में जाने से पहले पहले भी मेरे को क्या करना? आई थिंक आपको दुकान में जाने से पहले मेन क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर में आप सबसे बड़ा एक्वेरियम कितना है, साइज ऑफ द एक्वेरियम, द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज यू कैन अकोमोडेट हिम, बिकॉज द बिगर द एक्वेरियम द इजियर टू मेंटेन। नाउ यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि छोटा छोटा लेके आएंगे, ट्रायल करेंगे, ये गलत। आप अपने बजट में सबसे बड़ा एक्वेरियम लेके आए, बिकॉज जितना बड़ा है उतना मेंटेनेंस कम है और मेंटेन भी इजी कर सकते हैं, और अगर कुछ गलती होती है तो आपको पानी में अगर वाटर पैरामीटर्स जो होते हैं उनको खराब होने में भी आपको टाइम जाता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में टाइम जाता है, डायरेक्ट, सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now, चलो हमने एक साइज फिट किया कि हम लोग एक 3 फीट का एक्वेरियम लेने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? तो हमारा मेन सजेशन रहता है कि जब आप एक्वेरियम खरीदते हैं, मेन उसका अंदर का आपकी सेटअप, विच इज फिल्टर, विच इज द सॉइल एंड विच इज द बैक्टीरिया। सो एक्वेरियम लिया, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फिल्टर। तो सर, तो फिल्टर आप बेसिकली कैलकुलेशन रहते हैं कि आप कितना बड़ा फिल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर उतना बड़ा ही इस्तेमाल कीजिए जितना मछली आपकी स्ट्रेस नहीं होती है। हर आदमी को याद रखना पड़ेगा कि जब आप मछली रखते हैं, मेजॉरिटी फिश स्टिल पानी से आती है, तो लोग बहुत लोग पावर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, तो पावर फिल्टर की वजह से टैंक में एक सर्कुलर फ्लो आ जाता है, जिसकी वजह से मछली को कई बार थक के स्ट्रेस होके बीमारियां आ जाती है, तो दैट वुड बी अ वेरी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि पावर फिल्टर यूज करने से यू नो आप मछली को पानी में ही डुबा रहे हो, हमेशा बोलता हूं, करेक्ट बात, वो क्रिएट करता है और पानी में ही डूब जाता है, यू नो, वो आयरनी है, मछली पानी में डूब रहा है, इट्स क्रेजी। सो
फिल्टर वेरी इंपॉर्टेंट, फिल्टर के अंदर मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप होगा साइक्लिंग। तो फिश नहीं लाना है, फिश नहीं लाना, फिश आप एटलीस्ट हमारी सजेशन रहेगी मिनिमम 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स मतलब 15 दिन, मिनिमम 2 वीक्स के बाद जब आपका फिल्टर अच्छी तरह साइकिल हो गया है तब भी आप बेसिक मछली डालें। आप सिर्फ 2 मछली डालें, एक बार में 20 मछली बन जाती है, 2-2 मछली करके ओवर अ पीरियड ऑफ 4-6 वीक्स आफ्टर 2 वीक्स, सो यू कैन इमेजिन इट इज 8 वीक्स। यू टेक 8 वीक्स, यू हैव द प्रॉपर प्रोडक्ट, यू टेक केयर ऑफ वाटर क्वालिटी, मछली बहुत सारे जो एक्वेरियम शॉप्स में जब खरीदने जाते हैं टैंक देते हैं, यू नो फिल्टर देते हैं, ओके अब सब हमने कर लिया, फिश भी ले लिया, ये येलो मेडिसिन, ग्रीन मेडिसिन, ब्लू मेडिसिन, ये वाला पाउडर, वो वाला पाउडर करके 4-1 चीज बेच देते हैं। करेक्ट, ठीक है, वो हंसी में ही बहुत कुछ आंसर हो गया, बट फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ। मतलब मैं क्या कहूंगा कि नॉर्मली आप अगर आदमी के हिसाब से देखेंगे, जब तक आप बीमार नहीं होते आपको दवाई की जरूरत, जहां तक हो सके, मयूर ने पहले एक वीडियो डाली है जहां पे सॉल्ट का इम्पोर्टेंस बताया है, तो सॉल्ट इज अ वेरी बेसिक वेरी इम्पोर्टेंट वे और वेरी सिंपल वे ऑफ ट्रीटिंग अ फिश फॉर मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब आप मछली लाएं पहले 5-6 हफ्ते आपने सॉल्ट डाल के रखे, मछली कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाती है, लेकिन दवाई आप सोच समझ के और चेक करके डालो, क्योंकि हर दवाई इट हैज अ डोजेज। करेक्ट जी, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, सी वन ऑफ दिस इशू है, ज्यादातर शॉपकीपर्स ये करते हैं कि मेरा प्लारम बीमार है, अरवाना बीमार है या कुछ हो गया है, मेट्रोजिल डाल। मेट्रोजिल बॉस इंसानों के लिए है, इट्स एन एंटीबायोटिक, ओके। अगर इंसान खाए, अगर मैं खाऊं तो मैं कुछ 24 किलो का भी हूं, ज्यादा नहीं हूं, 60 किलो का हूं, ठीक है, तो मेरे लिए मतलब एक डोसेज होगा, बच्चों के लिए एक डोसेज होगा बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द एनिमल। तो सी फॉर एवरीथिंग देयर इज अ प्रॉपर कैलकुलेशन, वी हैव अ पर लीटर कैलकुलेशन, सो इफ यू सी एनी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ आवर एक्वेरियम्स आउटसाइड द एक्वेरियम वी हैव आवर मेडिसिंस कोडेड, so our medicines are Y3, Y1, B2, B1, so for each tank per liter we have a calculation of how much it is। तो ये चीजें अगर आप एक्चुअली प्रॉपर प्रोडक्ट्स खरीदें, अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदें जिन पे लिखा है, एंड फॉलो इट द वे इट इज गिवन, टेक टाइम एंड एफर्ट ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट इज द एक्चुअल वाटर वॉल्यूम ऑफ योर थिंग, दोस बेसिक थिंग, आज इंटरनेट का जमाना है, हर आदमी के पास कैलकुलेशन है, कि जब हम दुकान से लेके आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मेथड। सो नॉर्मली आई वुड सजेस्ट, आई वुड गो बैक वन स्टेप, आई वुड टेक यू बैक टू द शॉप, आई वुड से इन द शॉप व्हेन यू आर बाइंग द फिश, बाय द फिश दैट इज द हेल्दीएस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव, इफ पॉसिबल आस्क द शॉपकीपर टू फीड द फिश। ओके, बाय See, because it, again my analogy is very simple, I equate it to a human being. अगर आदमी is healthy, आदमी अच्छा खासा खाना खा, अगर आदमी बीमार है तो आदमी खाना नहीं खा। Beautiful point. तो अगर आप go back that one step, select the fish properly, मछली में कोई problem नहीं होनी चाहिए, once that is done, bring it home, basic way of acclimatization, अगर आपकी मछली है एक छोटी बाल्टी लीजिए, put your fish in that, buy a small piece of 6 feet or 8 feet of airline beef, and add 2 spoons of salt in that, drip it for around 30 minutes. Once it is dripped,
टेक द फिश विदाउट द वॉटर फ्रॉम द शॉप. शॉप का पानी नहीं चाहिए. टेक द फिश एंड ऐड इट जेंटली इनटू द एक्वेरियम. दैट्स ऑल. फैंटास्टिक. सो हमने एक्लिमेटाइजेशन के लिए वीडियोस बनाए. आप ड्रिप कर सकते हैं या धीरे धीरे आप पोर भी कर सकते हैं. जो आपको कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं. वो वीडियो देख लीजिए. इट्स अ वेरी सिंपल वीडियो. आप एंजॉय कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं. नाउ व्हेन डू यू फीड द फिश, मतलब फिश को पहली बार खाना कब दें? तो वी सजेस्ट नो फीडिंग फॉर 48 आवर्स. दो दिन बेसिकली, क्योंकि मछली नए एनवायरनमेंट में आई है, इट विल बी स्ट्रेस्ड. और हम एक और सजेशन देते हैं कि जब आपका एक्वेरियम न्यू सेटअप है तो प्लीज डू नॉट फीड द फिश 2 or 3 times a day इन अ नॉर्मल मैनर. फीड इट वंस अ डे ताकि आपका फिल्टर बैक्टीरिया एवरीथिंग हैज टाइम टू एडजस्ट टू द न्यू फिश एंड द बायो. तो निखिल भाई का कहना है कि पहले 48 आवर्स या दो दिन खाना ना खिलाए, तीसरे दिन से एक बार खिलाए, यू नो, एक हफ्ते के लिए सिर्फ एक बार खिलाए, फिर दूसरे हफ्ते में शायद हो सकता है तो सुबह और शाम को खिलाए, दो बार खिलाए. उससे ज्यादा खाना जरूरत नहीं है. ये याद रखे कि जब कुदरती फिश आता है ओके, तो कुदरत में उनको खाना रोज कोई डालता नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है, यू नो, हंट करना पड़ता है. तो वो कभी कभी दो दो दिन बिना खाने का रहते हैं और उनको कुदरती उनका सिस्टम वैसा बना गया है. तो मेरा एक फॉर्मूला है निखिल भाई, आई डोंट नो इफ यू कैन सब्सक्राइब. मैं बोलता हूं जैसे अपना अनिल कपूर साहब बोलते हैं ना, 1-2 का 4 ओके, 1 fish 2 times 4 दाना. यस यस. तो आई हैव अ सिमिलर एनालॉजी. आई से द साइज ऑफ द स्टमक इज द साइज ऑफ द आई. So, come again. The size of the stomach. Size of the stomach of the fish is the size of its eye. Size of its eye. मतलब हिंदी में जो पेट का साइज है मछली का, जो पेट का साइज है वो उसका आंख जितना ही है, तो मतलब उतना ही खाना खिलाए. करेक्ट. यस. सुपर. देखा, बहुत सीखने को मिल गया आज. One more very important problem जो beginners face करते हैं is compatibility. Because दुकान में जाते हैं, हाँ ये color अच्छा है, वो color अच्छा है, ये भी दो, वो भी दो, ये भी दो, वो भी दो, सब लेके आते हैं, they're not compatible, fight करते हैं, मर जाते हैं. How does someone, एक simple method क्या हो सकता है? Because अगर देखा जाए तो बहुत complicated है. Okay. But some अभी simple observation कह सकते हैं. How does someone choose fish? In the aquarium hobby, it is very hard to do it. Yes. Because I wish stores gave more information to the hobbyists or customers. But since that cannot happen or that does not happen, don't do impulsive buying. Don't be impulsive. मतलब वो diamond को देख के, समझ के, पढ़ के थोड़ा उसके जानकारी लो. अगर वो fish अच्छा लगा, एक दिन बाद लो ना. नहीं तो आज के दिन में हर आदमी के पास वही उधर ही इंटरनेट गूगल कर लो, समझ लो कौन सा फिश किधर से आता है, क्या करता है. आप मछली की फोटो ले लीजिए, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैंक हो गया, सेटअप हो गया, एक्लिमेटाइज हो गया, खाने के बारे में बात किया, मेंटेनेंस, वाटर चेंज, उसके बारे में कुछ बताइए. तो वाटर मेंटेनेंस, वी टेल पीपल 25-30% वाटर चेंज एवरी वीक. 25-30% एवरी वीक, हफ्ते में एक बार. हफ्ते में एक बार ही आप अपना नीचे का जो है ब्रैकिंग करते रहिए, सो दैट एनी डर्ट दैट इज सेटल्ड और उसका दैट कैन बी रिमूव. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, क्लीन योर फिल्टर वंस एवरी 3 months इफ यू आर यूजिंग एन एक्सटर्नल फिल्टर. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फिश, द क्वांटम ऑफ फिश, या बायो लोड, मतलब कितनी मछली आपने, बड़ी मछली रखी है, टैंक के हिसाब से मछली है. एंड ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन भी बायो लोड के हिसाब से, मतलब जितना बड़ा मछली है उसके हिसाब से 1-3 महीने में आप फिल्टर को वॉश करें. कोई लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बताना चाहते हैं? मेन चीज मछली का पानी रेगुलरली बदलिए. मछली को जितने अलग तरह के आप खाना खिला सकते हैं, वैरायटी वैरायटी
variety is the spice of life, as much as funny as it is. But main thing is if you mix an entire variety of food, then the fish gets different sorts of nutrition. It ensures that it has enough variety, and agar ho sakta hai, try and feed them frozen or live food at least once a week, if not once in 2 weeks. It is great for fish. It really helps them improve. मतलब उसका खाने में कुछ वैरायटी आ गया, जैसे हम लोगों ने संडे चिकन करी, बिरयानी खा लिया, बड़ा खाना, वैसा कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया. दिस इज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन निखिल भाई. दिस इज यूनिक बिकॉज बिगिनर्स जो भी देख रहे हैं उनको बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहा है. हमारा एक वीडियो पेंडिंग रहेगा, वो हम लोग एक कलेक्शन ट्रिप में जाएंगे और भविष्य को बताएंगे कि फिश कलेक्शन जो वाइल्ड में कैसे किया जाता है और हमें क्या देखना चाहिए, कंजर्वेशन के बारे में क्या सोचना चाहिए. मैं आखिर में एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन. आप हॉबिस्ट भी रहे हो, आप कंजर्वेशन का काम भी करते हो, बहुत कुछ करते हो, एंड गवर्नमेंट के साथ भी वार्तालाप है आपका. बहुत लोग बोलते हैं कि जब फिश हम लोग लेके आते हैं इंडियन वाइल्ड कॉट या जो भी है, ये एक कन्फाइंड स्पेस हो जाता है, तो फिश हैज टू बी इन द वाइल्ड. ओके, बट वाइल्ड में कोई कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं होना, तो एक हॉबीस्ट कंजर्वेशन में मदद कैसे कर सकता है? मतलब फ्रेश वाटर फिश कंजर्वेशन, इंडियन फिश कंजर्वेशन के बारे में कुछ एक लास्ट पॉइंट. तो देयर आर, मतलब जैसे इंडिया में भी आज के दिन में देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स व्हिच आर स्टार्टिंग. देयर इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज द साउथ एशिया चेयर ऑफ आईयूसीएन, डॉक्टर राजीव गांधी. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मिस्टर राजीव राघवन. मिस्टर राजीव राघवन साउथ एशिया चेयर. एंड राजीव इज समबडी आई हैव कोलैबोरेटेड विद फॉर द लास्ट 10 years. तो उसमें भी वी आर वर्किंग अ लॉट इन, दे आर बेबी स्टेप्स. इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग कोलैबोरेटिंग with an international organization called Shoal International. And basically what will happen is there will be a conservation effort both in the habitat and outside the habitat. For starting with Sahyadri Denisovi and one of the Indian mahaseas. So as it catches on, and you know I'll go back to the point where you're saying about wild caught fish. And how can a hobbyist contribute? क्या contribute कर सकते? So घर से क्या contribute कर सकते? So घर से contribute आप लोगों के लिए through Mayur's channel, we will bring something again in a collaboration where we will raise awareness of what every hobbyist in India can do. Amazing. It can be in terms of providing information, which is called as a citizen science initiative. बेसिकली अगर आप नदी के पास रहते हैं तो सिंपल काम कीजिए, जो आपके घर के पीछे मछली है डॉक्यूमेंटेड एक फोटो निकालिए, विल गिव यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, उनको फोटो भेजिए. यस, यू नो दिस कैन ऑल बी वैल्यूएबल. एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो जो लोग वो डॉक्यूमेंट करके आपको भेजते हैं, मेरे तरफ से एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया की तरफ से हम लोग उनको कुछ गिफ्ट देंगे, ताकि उनका जो मेहनत है वो जाया ना जाए. जब हॉबीस्ट कंजर्वेशन में जाते हैं तो यही होता है, ठीक है, कंजर्वेशन घर में होने लगता है. इट इज अ पैशन, वी आर ऑल एंड कुदरती सुंदरता वैसे ही होना चाहिए ना. यस, वो चेंज नहीं होना चाहिए. ये कहते हुए निखिल भाई, आई एम गोइंग टू थैंक यू अगेन टुडे. थैंक यू सो मच, दिस इज अ फैंटास्टिक कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. मैं चाहता हूँ कि हर बार हमारा कुछ ना कुछ ऐसा नया होते रहे, लोगों तक हम लोग पहुंचाते रहे. ये इनिशिएटिव के बारे में जो आपने बोला, वी शुड टेक दिस फॉरवर्ड. मेरे तरफ से जो भी मदद बन पड़ेगा मैं खुशी से करूंगा. आप पूछिएगा भी मत, मैं हूं आपके साथ. दैट इज फॉर श्योर. थैंक यू. एंड
आप सबके लिए मैं आशा करता हूँ कि आपने आज इस कॉन्वर्सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग बिगिनर पॉइंट सीखा, कैसे एक्वेरियम स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, निखिल भाई से देखा। और भी डिटेल कॉन्वर्सेशन के वीडियोस आगे जाके बनाएंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार रहेगा, बहुत सीखने को मिलेगा, मुझे भी बहुत सीखने को मिलेगा, आज भी अमेजिंग। तो एज ऑलवेज मेरे तरफ से आज कैमरामैन अनिल शेनॉय, निखिल भाई की तरफ से, इंडिया गिल्ड्स की तरफ से, इनका जो ऑनलाइन वेबसाइट bestforpets.in एंड इनके पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे बॉस, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, हॉबी के बारे में, आपके फिश के बारे में, बहुत कुछ के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, मिलते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे, बाय।